राहुल गांधी ने कुछ आप लोगों को ढांढस बंधाया, क्या बोले, क्या बात? कह रहे थे आपकी शिकायत करेंगे, रखो मेरी माँ चली गई, मेरे भैया भी चलेगा, मरा नहीं ऐसा लगता है, कहीं जाके मर जाओ, मेरे घर खाली हो गया। अभी तक की जो जांच हुई है, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उससे आपको कुछ उम्मीद है कि इंसाफ मिल पाएगा आपको? ना नहीं, मतलब मरे इंसाफ दिया है, इसने कुछ किया है उसका इंसाफ दिया है। उन्होंने प्रेम से फैमिली को समझाया और यही कह रहे थे हम सरकार के द्वारा अपने आप की पूरी मदद करेंगे फैमिली की, यही कह रहे थे। किस तरह की मदद आप चाहते हैं? पूछताछ कर रहे थे, अभी तो कोई कुछ हुआ तो बताया था कि 2 लाख रुपए के लिए बोल रहे थे, तो हम इसका 2 लाख हो या 4 लाख हम क्या करेंगे, जब हमारा भतीजा मेरी बाप ही नहीं रहे, हम पैसे से क्या, हम तो खुद मेहनत करके खा लेते। भविष्य में किसी के साथ ना हो, किसी का बच्चा किसी के माँ ना जाए, आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह के कार्यक्रम में? मैं तो यही चाहूँगी जब वहाँ सत्संग में जाने के बाद मेरा परिवार उधर गया तो मुझे कोई विश्वास नहीं है अब किसी बाबा पे। अगर वो भक्तों के लिए इतना सोचते तो इनकी जान नहीं आती। ये कहूँगा इनके लिए बहुत दुखदार हुआ है, बहुत दुख हुआ है, सरकार के इनसे ये करते हैं कि इनकी मदद हो। और राहुल गांधी ने क्या कहा आप लोगों से, आप लोगों के परिवार? उन्होंने इनके लिए सहायता दी है कि जो भी हमसे बनेगा हम आपके लिए कुछ करेंगे। क्या मांग चाहेंगे? जो उनका घर परिवार पूरा मिट गया उनसे क्या मांगे, जो मिल जाए वो ठीक है सरकार की तरफ से। अभी नहीं मिला है। हाँ, जांच होने के बाद में जो गुनाह है उसमें गुनहगार को कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ। माँ थी मैं। अच्छा, आपकी क्या नाम? शांति देवी। शांति देवी तो किन के साथ गई थी? वो हमारे साथ गई थी मम्मी। आपके साथ गई थी? तो कैसे वो हादसा हो गया, कैसे? जैसे कि हम गए थे, सब अलग अलग हो गए थे, हम अलग हो गए थे, हमारी माँ अलग हो गई थी। जब वो समापन हुआ तो वहाँ भगदड़ मच गई। भगदड़ मची तब तो हम तो बाहर निकल आए थे पहले ही, बाद में पता चला भगदड़ मच गई तो हम अपनी माँ को ढूंढने लगे थे, ढूंढने लगे, थोड़ी देर में पता लगा था कि शांति देवी बिलखना एम्बुलेंस में ले गए उन्हें हॉस्पिटल। तो मेरा भाई हॉस्पिटल गया था, जब उनको जाके देखा हॉस्पिटल में तो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी। अच्छा, ये बताइए राहुल गांधी ने आज आपके घर आना था, आपके परिवार वालों से मिलना था, लेकिन वो आपके घर नहीं आए? नहीं, बुला लिए थे वहाँ भाई। मेरे भाई गए थे और पिताजी गए थे। दूसरे के घर में चले गए जी, उन्होंने वहीं बुलाया था। राहुल गांधी से क्या कुछ मुलाकात हुई आपकी, क्या कुछ बात हुई? उन्होंने हालचाल जाना, बोला हम आपका हर सहयोग करेंगे जैसा भी होगा। और जो मृतक है मेरी माताजी शांति देवी, राहुल जी आए थे, उन्होंने हमसे बोला था और हमारा हालचाल जाना, उन्होंने परेशानी पूछी कि कैसे घटना हुई, किस तरीके से, कौन जिम्मेदार है और आप किसे जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। तो देखिए, हमने जो राहुल जी को बोला था, मैंने कहा सर आप पहले तो आप जो आए हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, इस दुख की घड़ी में आपने हमारा साथ दिया। तो बोल रहे कि आप मुझे बताइए और मैं आपका मुद्दा जो है संसद में जरूर उठाऊंगा। तो इसमें जो है राहुल गांधी जो है सहायता के लिए बोल गए, गवर्नमेंट से भी और अपनी तरफ से भी कह रहे थे कि जो भी होगा कराएंगे। Thank you.